नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की खास खबरें। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में शिक्षकों से भरी मैक्स गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मैक्स गाड़ी शिक्षकों को अल्मोड़ा से बाड़े छीना की ओर ले जा रही थी। अचानक गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गाड़ी में 10 शिक्षक मौजूद थे, जिसमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी शिक्षकों को लोगों की मदद से निकाल अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें सभी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सहारनपुर में अंबाला रोड स्थित शेख उल हिंद मौलाना मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई, जिसमें कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। कर्मचारियों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिल पाने से एक एक पैसे को मोहताज हो रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है, अपनी घरेलू जिंदगी को चलाने के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज सभी कर्मचारियों ने मिलकर मेडिकल कॉलेज में हड़ताल की, जिसके कारण मरीजों को भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने थाना कोतवाली क्षेत्र के सुजडू गांव के जंगल में अवैध असला बना रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली पुलिस ने तमंचे बनाने के लिए कुख्यात गांव जोला निवासी बदमाश अकील और थाना छपार क्षेत्र के खलील से 5 देसी तमंचे, 315 बोर, 1 अर्धनिर्मित तमंचा, कई कारतूस, 1 ड्रिल मशीन और तमंचे बनाने के कई उपकरण बरामद किए हैं। दोनों बदमाश काफी समय से मौत का सामान बनाकर अपनी जीविका चला रहे थे। पुलिस काफी समय से दोनों बदमाशों की तलाश में थी। कल कोतवाली नगर पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई थी। सुजड़ू गांव में एक तमंचा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जिनके द्वारा जो वहां मौके से पूरा तमंचे बनाने का सामान, 5 बने हुए तमंचे, कुछ अधबने तमंचे बरामद किए गए हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि इनमें से एक जो अपराधी है, वो जो यहाँ पे मुजफ्फरनगर में एक बड़ा कुख्यात गांव है जोला, थाना बुढ़ाना में, वहाँ का रहने वाला है। और इनके द्वारा बताया गया है कि ना केवल जनपद मुजफ्फरनगर में बल्कि आसपास के जनपदों में भी इनके द्वारा इनकी सप्लाई की जाती है। उपकरण में बनाने के जो इसकी छोटी सी जो खराद मशीन होती है, वो जो इंस्ट्रूमेंट्स नली वगैरह जिससे इस्तेमाल लकड़ी के बैठे, इसके अलावा 5 बने बनाए तमंचे, जिनका इनका बता रहे थे कि सौदा हो गया था, और कुछ अर्ध बने तमंचे बरामद किए। देहरादून हरबस वाले के जंगलों में आबकारी विभाग सेक्टर 1 व सेक्टर 2 की सीओ टीम ने मारी रेड। निरीक्षक सुजान हसन व संजय रावत ने कार्रवाई करते हुए 4 भट्टियां नष्ट कर 1000 किलो लहन, 100 लीटर कच्ची शराब बरामद की है। वही मामले में 4 अभियोग दर्ज किए गए हैं। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम के तहत जिला पुलिस प्रशासन ने आज ऋषिकेश कोतवाली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में युवाओं के साथ बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों ने रक्तदान किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि जनपद की पुलिस कप्तान ने कहा है कि रक्त सड़क हादसों की वजह से सड़कों में बह रहा है, जबकि रक्त नाड़ियों में बहना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम में सहयोग के लिए लायंस क्लब रॉयल को साधुवाद दिया, साथ ही जनपद में अपराधों के लिए जन सहयोग की बात कही।